So now we will see what is electric potential, and we will try to figure out what is electric potential energy. But before getting to this, let's just have a rough idea exactly what is electric potential and electric potential energy. तो ये समझने के लिए हम help लेंगे gravitation का, because हमने already gravitation में पढ़ा हुआ है gravitational potential and gravitational potential energy, right? और जैसे मैंने आपको starting में ही बोला, shockingly there are so many similarities when we study electrostatics and gravitation, आपको बहुत similarities मिलेगी. So यहाँ पे भी इस वाले concept में भी we will try to see what are the similarities, और उसके basis पर हम try करेंगे समझने कि electric potential और electric potential energy क्या होता है. Okay, so let me take example of gravitation. This is Earth, and let's take three places, point A, point B, and point C. Right? I'll be keeping one body at all three places. Let's say the mass of the body is M. तीनों ही जगह पे हमको सेम बॉडी को रखना है, राइट? नाउ द क्वेश्चन हियर इज, कौन से जगह पे इस बॉडी को सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फील होगा, कौन से पॉइंट पे उसको सबसे ज्यादा वेट फील होगा, कौन से पॉइंट पे अर्थ उस पे सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट करेगा. योर आंसर शुड बी ऑब्वियस कि वो होना चाहिए हमारा पॉइंट ए. व्हाई? बिकॉज व्हाट इज क्लोजर टू अर्थ, और हमने पढ़ा है that gravitational force also follows inverse square law. इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो भी force रहेगा that will be inversely proportional to the square of the distance between both the bodies. Right? जितना आप earth से दूर जाओगे उतना ही आपको उस particular point पर जो force of attraction feel होगा वो कम होगा. Right? जितना पास और उतना आपको ज्यादा feel होगा. So basically हम यहाँ पे क्या figure out करने try कर रहे हैं, हम ये figure out करने try कर रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट जिनकी हम बात कर रहे हैं इनमें कितना पोटेंशियल. नाउ यू विल बी ऑलरेडी नोइंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड पोटेंशियल, राइट? पोटेंशियल के लिए, पोटेंशियल का मतलब होता है आपका अबिलिटी और कैपेबिलिटी, दोनों का मतलब ऐसे एक ही हुआ, अबिलिटी और कैपेबिलिटी, कैपेसिटी कुछ करने की पोटेंशियल. जैसे हम लोग बोलते हैं ना, इस इंसान में बहुत पोटेंशियल है, राइट? इस पर्टिकुलर कंपनी में बहुत पोटेंशियल है. तो पोटेंशियल का मतलब होता है अबिलिटी उससे कुछ कर सकने की. तो इन तीनों में से ए, बी और सी में से पॉइंट ए का पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, क्योंकि आप जब भी एक बॉडी को यहां पे रखोगे तो सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स उसे इस पॉइंट पे फील होगा. सो आई विल से दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज मैक्सिमम for A, and similarly gravitational potential is minimum for C. सबसे कम gravitational potential किसका होना चाहिए? C का, क्योंकि आपने जो mass यहाँ पे रखा हुआ है उसको same यहाँ पे रखते तो आपको ज़्यादा force feel होता, उसी को आपने यहाँ पे रखा काफ़ी दूर रखा तो इस point का potential, इस point का जो capability है वो यहाँ पे force produce करने का सबसे कम होगा. Getting me? तो हम डिस्कस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पोजीशन के बारे में, यहाँ पे बॉडी को रखा तो क्या होगा, यहाँ पे रखा तो क्या होगा, यहाँ पे रखा तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर जगह के पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं. और पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या होता था? पोटेंशियल एनर्जी होता था कि आपका जो भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है जिसको हम वी से रिप्रेजेंट करते थे यूजली, इनटू मास ऑफ बॉडी. दिस वॉज फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी, उस पर्टिकुलर जगह का पोटेंशियल इनटू मास ऑफ द बॉडी. अब ये इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि आपने उस बॉडी को सी पे रखा जहाँ पे पोटेंशियल सबसे कम है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सबसे कम है, बट क्या पता वो बॉडी का मास बड़ा हो. लेट मी टेक कैपिटल, समझ में आ रहा है? उस बॉडी को कितना फोर्स फील होगा दैट विल नॉट जस्ट डिपेंड ऑन दैट पोजिशन, इट विल ऑल्सो डिपेंड कि उस बॉडी का मास कितना बड़ा है. बिकॉज हमने भी पढ़ा था कि उस पर्टिकुलर जगह पर उसको जो फोर्स फील होगा उसके मास पर भी डिपेंड करता है, समझ में आ रहा है? सो उसके मास पर भी डिपेंड करेगा. सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोडक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, किसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? उस पर्टिकुलर जगह का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन टू मास ऑफ दैट बॉडी, समझ में आ रहा है?
सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोडक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास ऑफ द बॉडी. जितना बड़ा मास उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, जितना बड़ा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी. तो इन तीनों के बीच में ये रिलेशन. नाउ व्हाई आर वी कंपेयरिंग दिस, हम यहाँ पे क्यों देख रहे हैं इसको, क्योंकि हम जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ये सेम चीज पढ़ेंगे, इसमें भी हमको सेम तरीके से देखने मिलेगा कि यहाँ पे जो मास आता है उसके वहाँ पे चार्ज आ जाएंगे, बाकी सारी वैल्यूज आपकी सेम रहेंगी. सो लेट्स सी व्हाट इज पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स.